नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल पे। हम अपने आचार्य जागेंद्र मिश्रा में आप सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं। मिथुन राशि विश्व की सबसे आकर्षक और प्रभावशाली राशि। मिथुन राशि वालों, शरीर की शोभा चेहरे पर निर्भर है। इसकी गतिविधियां मन के द्वारा हाथ पैरों के सहारे चलती है, किंतु जीवन का रक्त प्रवाह शरीर के मध्य में विराजमान हृदय के ऊपर निर्भर है, जो दिखाई नहीं देता। दोस्तों, आज की परिस्थितियों में खुद को पहचान ही नहीं पाता, क्योंकि मैं कौन हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, इस पृथ्वी पर मेरा कार्य क्यों है, क्या है। आप लोग आपकी विशेषताएं ही नहीं जान पाते, खुद के शक्तियों के बारे में ही नहीं समझ पाते, तो फिर सफल कैसे होते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको आनंद आएगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा, और मुझे भी बताने में बहुत खुशी होगी, क्योंकि बहुत रिसर्च करके आज का वीडियो मैं आपके लिए लाया हूं। इसलिए मेरा वादा है, अगर आप यह वीडियो अंत तक देखते हैं और समझते हैं, तो मुझे लगता है कि मिथुन राशि वाले जातकों या फिर जिन जातकों का नाम का पहला अक्षर के लेटर है, उनके लिए आपको बताएंगे, यानी के लेटर मिथुन राशि के अंतर्गत आते हैं, तो आपको ये बहुत ही विशेष जानकारी जान पाएंगे। और मिथुन राशि के नहीं है तो यह वीडियो देखकर जान पाएंगे कि मिथुन राशि के लोग इनके लिए मित्र के रूप में कैसे होते हैं, उनके प्रेमी के रूप में, पार्टनर के रूप में कैसे होते हैं, तो आप भी समझ जाएंगे कि मिथुन राशि की विशेषताएं क्या होती है, इनके साथ कैसे पेश आना चाहिए, उनका भाग्योदय कब होता है, कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए इधर उधर की चर्चा न करते हुए देखते हैं। बता दें कि जो के अक्षर के जातक है वो भी मिथुन राशि के अंतर्गत आते हैं, तो ये वीडियो के अक्षर के जातकों के लिए भी खास है। 21 मई से 20 जून के बीच में जिनका जन्म हुआ वह मिथुन राशि के होते हैं, और हमारे भारतीय मत के अनुसार 16 मई से 16 जून के बीच जिनका जन्म हुआ उनकी राशि मिथुन होती है, क्योंकि इस अवधि के दौरान सूर्य ग्रह मिथुन राशि में रहता है, और जिनके जन्म के समय चंद्र ग्रह मिथुन राशि में होते हैं उनकी भी राशि मिथुन होती है। और अगर आपको ये कुछ भी जानकारी नहीं है तो आपका नाम कुछ, यानी जैसे कि का छा गा, यानी कि अक्षर से शुरू होता है, तो आपकी भी राशि मिथुन होती है, आपकी राशि के स्वामी बुध ग्रह होते हैं। अब आपको थोड़ा सा ध्यान से सुनना है दोस्तों। सबसे पहले तो आपको उनके बारे में जानना होता है, उनके स्वभाव के बारे में जानना पड़ेगा। जब आप मिथुन राशि के व्यक्तित्व को जानेंगे तो आपको एहसास होगा कि दुनिया में इससे प्रभावशाली कोई व्यक्ति है ही नहीं। यह जिस जगह पर कदम रखते हैं वह अपनी छाप छोड़ते हैं, ऐसे मनुष्य मिलनसार प्रवृत्ति के होते हैं। इनमें मिलकर कार्य करने की आशा, धारणा और क्षमता होती है। ये लोग विद्या प्रेमी होते हैं, अध्ययनशील होते हैं, ये आधुनिक विचारधारा के साथ खूब प्रगति करते हैं। ये मित्रों के मित्र होते हैं, सुख दुख में पूरी तरह से सहयोग करने वाले होते हैं। दोस्तों, मिथुन राशि वाले जितने उदार होते हैं उतने ही दूसरी तरफ कंट्रोल भी होते हैं। ये जितने अच्छे मित्र होते हैं उतने ही विशाल शत्रु बन सकते हैं, और आपका यही दोहरा जीवन आपके सदैव आपको व्यस्त रखता है। सहनशीलता आपके जीवन में चरित्र की विशेषताएँ होती हैं। आप यथार्थवादी हैं, आप लोगों की व्यापारिक बुद्धि होती है, इसलिए लखपति करोड़पति बनते जरूर हैं, धनवान भी बनते हैं, लेकिन मिथुन राशि वालों को अपने जीवन में ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, पारिवारिक हो, उन्हें संघर्ष करना ही पड़ता है। हालांकि सबसे अच्छी बात अगर कोई है तो उनके रास्ते में बहुत ही बाधा आने की अवरुद्ध भी जो है आसानी से ये पार कर लेते हैं इनको। आप देख लीजिएगा सिनेमा जगत में यह मिथुन राशि के ही लोग हैं जो ज़्यादातर सफल हुए हैं। आप जब अन्य क्षेत्रों में देखेंगे तो लघु उद्योग या फिर बड़ी बड़ी कंपनियों में हर अच्छी स्थिति पर यह लोग मौजूद होते हैं। व्यापार करके भी यह मुनाफा कमाते हैं, क्योंकि मिथुन राशि वाले मनुष्य कभी खाली बैठे नहीं सकते। और इन लोगों को एक और विशेषताएँ होती हैं कि ये सदा पेचीदा एवं उलझन भरे कार्यों में सफल होते हैं, इसलिए इनका जो सफलता का दौर है वह अन्य राशि से कहीं ज़्यादा होता है। और मैंने कई सारे मिथुन राशि के कुंडली का अध्ययन किया है तो मुझे पता चला है कि 100 में से 90
प्रतिशत कुंडली प्रभावशाली होती है क्योंकि इनके दिल में एक ही तमन्ना रहती है, ख्वाब रहता है कि जब तक जीवन है उससे पहले पृथ्वी पर जितने भी भोग है वह भोगे, चाहे महंगी से महंगी महंगी गाड़ी हो, कपड़ा हो, महंगा से महंगा सामान हो, लग्जरी लाइफ जीने के शौकीन है, यह उन्हें प्रभावित करता है और यह लोग इनकी ओर आकर्षित भी होते हैं। इसलिए तो ये दुनिया की सबसे बड़ी प्रभावशाली राशि होती है मिथुन राशि। दोस्तों अगर इनके सबसे बड़े कमजोरी या फिर आप ऐसा समझिए कि असफल होने में यदि कोई चीज़ इन्हें रोक रही है या रोक रही होती है तो वह है गलती नहीं मानना। ये लोग अपनी गलती कभी स्वीकार ही नहीं करते। जब तक इनका भारी नुकसान ना हो जाए तब तक ये सुधरते नहीं हैं, समझते नहीं हैं। अगर ये लोग किसी एक पर कार्य करें और उनके मन में खुद का भेद खुल जाने का डर को दूर करें और जिद्दी स्वभाव को छोड़े तो यह राज यानी अपने राज्य देश विदेश में अपना साम्राज्य बना सकते हैं। ये बड़े उद्योगपति बन सकते हैं, नौकरी में भी प्रमोशन पाकर अच्छी स्थिति में पहुंच सकते हैं। दोस्तों जहां प्रेम की बात आती है तो वहां मिथुन राशि हमेशा प्रथम रहती है क्योंकि यह राशि खुद प्रेम का प्रतीक है। लोगों में यह गलत फहमी हो गई है कि यह लोग दूसरे प्रेम प्रसंग में लिप्त होते हैं, ये लोग दिलों के साथ खेलते हैं और दिल तोड़ने में माहिर होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वक्त परिस्थितियां जब मिथुन राशि के कुंडली में पंचम और सप्तम भाव दूषित होता है तब वह ऐसा करते हैं, वरना ये लोग अपनी प्रीतम को ही सब कुछ समझते हैं और प्रीतम में वफादार रहते हैं और उनके लिए सारी यानी कि सादगी भरा जीवन जीते हैं। सुख परिवार एवं बच्चों का जो आमदनी होता है इनके लिए मान्य रखता है। मिथुन राशि वाले प्रेम के बदले प्रेम चाहते हैं, पिता के रूप में उन्हें सम्मान चाहिए होता है, माता के रूप में ये जरूरत से ज़्यादा अपेक्षा रखते हैं और जीवन में ये लोग 25 साल जब पहुंचते हैं, जब 25 उम्र होती है तो इनका भाग्योदय होता है। दूसरा भाग्योदय होता है 36 साल के बाद इनका मिथुन राशि के जातकों का यानी जो कि अक्षर के जातक हैं। दोस्तों अगर आप लोग पर्यटन क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, संगीत अभिनय में आगे बढ़ते हैं, आप आयात निर्यात के क्षेत्र से जुड़े हैं और अगर आप देश विदेश में निवेश करने के सोचते हैं तो कार्य करने के लिए तो आप काफ़ी सफल रह सकते हैं और कई ऐसे कार्य करते हैं जो पार्टनर में भी आप कर सकते हैं। खासकर व्यापार जो इनका मूड होता है, व्यापारिक मूड होता है, नौकरी भी ये करते हैं ऐसी बात नहीं, लेकिन अच्छी नौकरी इन्हें पसंद है। मैनेजमेंट के क्षेत्र में, लिखा पढ़ी के मामले में, टीचिंग के मामले में ये जाना पसंद करते हैं, ऐसा भी होता है। मीडिया के क्षेत्र में भी जाना इन्हें पसंद है। तो ये था कुछ महत्वपूर्ण बातें मिथुन राशि के जातकों के लिए। कैसी लगी वीडियो कमेंट में बताइएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय शनिदेव।